हेलो दोस्तों, एसएससी स्टेनो 2022 का ग्रेड डी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। कल हमने ग्रेड सी का कट ऑफ बता दिया था और आप लोगों ने सभी लोगों ने देख लिया है। आज केवल ग्रेड डी का बताएंगे। ये जो कट ऑफ बनाया जा रहा है, इससे पहले हमने सारे डाटा देख लिए हैं कि 2020 में कितनी वैकेंसी थी और कितनी मेरिट गई थी। पिछली बार तो मेरिट ज़्यादा चली गई थी क्योंकि वैकेंसी भी कम थी, इस बार वैकेंसी ज़्यादा है तो इस हिसाब से हमने बनाया है। हमने इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखा है कि रामधारी खंड वन बोली गई है। कुछ लोग कहते हैं कि हर साल आती रामधारी खंड, तो आती तो हर साल है, लेकिन आपको पता चल गया कि रामधारी खंड वन आती है तो लड़का उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेता है कि वही बोली जा रही है, तो इसका भी ध्यान दिया गया है। ओवरऑल सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है और फिर हमने ये आप लोगों को कट ऑफ बताने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी कट ऑफ पसंद आएगी। जिसको भी अगर हमारी कट ऑफ पसंद ना आए तो वो कमेंट्स में बता सकता है कि सर मेरे हिसाब से कट ऑफ इतनी इतनी रहेगी, लेकिन ओवरऑल आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने काफ़ी ईमानदारी के साथ लोगों से पूछ करके, जो बच्चे पेपर देने गए थे उनसे भी, जो नौकरी पे लगे हैं लड़के स्टेनो की पोस्ट पे, उनसे भी बात करी है। ओवरऑल सारा डाटा इकट्ठा हमने कर लिया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, जो ग्रेड डी है स्टेनो वाला, उसमें 3571 पद हैं। ठीक है, ये जो लिखे हुए हैं यूआर, इसमें इतने पद हैं, 1540 पद हैं। ईडब्ल्यूएस में 353 पद है, ओबीसी में 911 हैं, एससी में 565 हैं और एसटी में 202 पद हैं। तो इनकी जो प्री की कट ऑफ कितनी गई थी वो भी हम आप लोगों को बता रहे हैं। जो प्री की कट ऑफ गई थी, यूआर की 108 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 90 गई थी, ओबीसी की 96 गई थी, एससी की 76 गई थी और एसटी की 63 गई थी। ठीक है, ये तो हमने आप लोगों को बता दी प्री की कट ऑफ। अब जो हम आप लोगों को बता रहे हैं एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी, उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। यूआर की जो कट ऑफ रहेगी वो 131 रहेगी, 131 यूआर की। ये भी हमें पता है कि सी वाला जो लड़का क्रैक किया उसके हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन इसमें प्लस टू और माइनस टू करेंगे। हो सकता है दो नंबर कम भी चली जाए और दो नंबर ज़्यादा भी चली जाए, तो ये 131 में सब में प्लस टू और माइनस टू रहेगा। ईडब्ल्यूएस की जो है वो रहेगी आपकी 126, EWS की प्लस टू और माइनस टू। ये सारा डाटा बड़ा ध्यान से बनाया गया, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। OBC की जो मेरिट है वो 128 रखेंगे, प्लस टू और माइनस टू, 126 भी जा सकती है, 130 भी जा सकती है, इसीलिए हमने प्लस टू और माइनस टू कर दिया। SC की जो मेरिट है वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आप लोगों के लिए, वो हमने रखी 116, इसमें प्लस टू और माइनस टू रखेंगे। कम चली जाए बहुत अच्छा, लेकिन जो डाटा हम आपको दे रहे हैं ये हमने बड़ा सोच विचार के ये डाटा रखा है। ST की जो मेरिट है वो 108 रखी गई है, प्लस टू और माइनस टू। ओवरऑल ये जो कट ऑफ है, ये वाली कट ऑफ हमने आप लोगों को बताई है। उम्मीद है कि कुछ लोग इस कट ऑफ से हमारे इससे संतुष्ट होंगे और कुछ लोग असंतुष्ट भी होंगे, लेकिन अगर किसी को लगता है कि हम असंतुष्ट हैं तो आप लोग हमारे कमेंट्स बॉक्स में करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो सब लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जैसे ही SSC से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। थैंक यू।